हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीपी अड्डा। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग पीसी बोर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पीसी बोर्ड आखिर होता क्या है, एचवैक के फील्ड में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसमें जो इतने सारे जो पिंस दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे इसका कनेक्शन करते हैं, और इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन गाइज इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं गाइज पीसी बोर्ड के बारे में देखते हैं कि पीसी बोर्ड में आखिर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। अगर पीसी बोर्ड अगर आपका ख़राब हो जाता है किसी भी यूनिट का, वैसे खैर इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्प्लिट एसी में भी पीसी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पैकेज एसी में भी करते हैं, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आपका पीसी बोर्ड अगर ख़राब हो जाता है, अगर आपको नया लगाना है या कहीं पे नया इंस्टॉलेशन है तो आप कैसे इसका कनेक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में पीसी बोर्ड है और पीसी बोर्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये हमारा लाइव वायर है, यानी यहाँ पे हमारा फेज जो हमारा आ रहा है वो फेज वायर यहाँ पे लगाएंगे। ये जो है हमारा न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन दे देंगे। अच्छा, ये जो गाइस आप देख रहे हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे जो प्राइमरी वाला जो जैक होगा वो यहाँ पे लगा देंगे ट्रांसफार्मर का। ये जो हमारा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी जैक है उसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा 220 से 24 वोल्ट में ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि जो भी हमारा पीसी बोर्ड होता है गाइस वो 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर ज़रूरी होता है लगाना। अब आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेज लगी हुई हैं, ये बहुत सारी, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेड इन मलेशिया है, ये मलेशिया का प्रोडक्ट है, मलेशिया जो है ये पीसी बोर्ड बनाती है, मलेशिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ बनाती है लेकिन मलेशिया इसमें काफ़ी आगे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये देखें आप जो है यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं गाइस के W2, W1, Y2, Y1, GCR ये सारी कोड्स हैं, और इन सारे कोड्स को अगर आप एचवैक के फील्ड में हो तो आपको कोड्स बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत, कोड्स को समझने की सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ज़्यादातर जो है वो आप कभी भी फुल फॉर्म, मतलब वो पूरा डिटेल्स में नहीं लिखा होगा, वो कोड में ही लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, और उसे आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो आपको चार लाइट दिख रहा है, दो रेड दो येलो, ये डबल कंप्रेसर के लिए पीसी बोर्ड जो है डिज़ाइन किया हुआ, और ये जो आपको ग्रीन लाइट ये पावर का लाइट जो है ये शो करता है ना, ग्रीन लाइट अगर जल रहा है इसका मतलब कि पीसी बोर्ड को पावर मिल रहा है, अगर ये ग्रीन लाइट नहीं जल रहा है इसका मतलब है कि पीसी बोर्ड को आपको पावर नहीं मिल रहा है। ये जो आपको चार लाइट दिख रहा है, दो येलो दो रेड, ये दो कंप्रेसर, एक कंप्रेसर के लिए एक रेड येलो और दूसरे कंप्रेसर के लिए ये दूसरा रेड येलो, ओके। ये जो हमारा रेड और येलो होता है ये सिस्टम किसी भी वजह से लॉक हो, चाहे हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर का मसला हो या और किसी चीज़ का मसला हो, तो यहाँ पे आपको ये ब्लिंक करेगा, ये आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। अब कौन सा सिस्टम, अगर जो भी लाइट ऑपरेट ब्लिंक कर रहा है उससे आपको मालूम चलेगा कि कौन से सिस्टम में कंप्रेसर 1 या कंप्रेसर 2 किस में प्रॉब्लम है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जी, ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जैक लगाएंगे, यहाँ पे लाइव यानी फेज वायर लगाएंगे, यहाँ पे न्यूट्रल लगाते हैं, और ये हमारा रिलेज है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है ये पावर के सारे आपको टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ना, ये पावर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर 1 लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंप्रेसर 1 है जी, ये देखें कंप्रेसर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंप्रेसर 1, ये हो गया कंप्रेसर 2, ये हो गया P2, P1 है ना, इस तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हैं फैन इन यानी इंडोर फैन, ये आपको हीटर दिख रहा है, ये आपको हीटर दिख रहा है, ये आपको X1 X2 दिख रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको आउटडोर फैन है ना, आउटडोर फैन का जो पावर का जो टर्मिनल होगा वो यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद जो है आउटडोर फैन 2, यानी अगर दो फैन है आपके यूनिट में पैकेज, जैसे अगर डबल कंप्रेसर का है तो उसमें डबल फैन भी होगा, तो दो फैन के लिए यहाँ पे दो टर्मिनल आपको दिया हुआ है, आउटडोर फैन 1 एंड आउटडोर फैन 2। अच्छा, इसके अलावा जी यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप फ्यूज़ लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, तो कंप्रेसर 1 का वायर जो है ये कंप्रेसर 1 में लगा देंगे, कंप्रेसर 2 का पावर का वायर ये कंप्रेसर 2 में लगा देंगे। इंडोर फैन यानी इंडोर फैन कहने का मतलब ब्लोअर है ना, ब्लोअर का जो वायर है वो यहाँ पे लगा देंगे। अगर हीटर है हमारे यूनिट में तो हीटर का जो वायर है हीटर 1 हीटर 2 में लगा देंगे, दो हीटर होता है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ये X1 X2 को भी छोड़ देना है, इसका भी कोई काम नहीं है, और आउटडोर फैन का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है तो यहाँ पे आउटडोर फैन का वायर लगा देंगे। ये आपका सब जितनी भी चीज़ें हैं आपके यूनिट में वो सबका ये
कनेक्शन हो गया। अच्छा, आप सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं गाइस के यहाँ पे सारे सिग्नल के टर्मिनल्स हैं, W2, W1, Y2, Y1, G, CR। अच्छा, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो R आपको दिख रहा है, ये R जो होता है ये फेज वायर, ठीक है, लाइफ या फेज हम इसको कह सकते हैं, फेज आप इसमें दे दें। C यानी कॉमन, कॉमन का मतलब होता है न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल वाला वायर आपको लगा देना है, ठीक है। अच्छा, G जो आपको दिख रहा है, C के बगल में G, ये देखें G, ये जो है ये ब्लोअर के लिए है ना, ये जी का मतलब हो गया ब्लोअर। आपको ये सारे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कोड्स सारे समझने होंगे, याद करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो जी से, जी फॉर ब्लोअर, आप इसको याद कर लें, जी फॉर ब्लोअर, सी फॉर कॉमन, आर फॉर फेज, है ना, इस तरीके से, मतलब रट्टा नहीं मारना है बल्कि इसको समझ के सीख के, आपके जो भी सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, उनको निचोड़ें, आप उनके अंदर से जितना कुछ आप सीख सकते हैं निकालें। कभी भी अपने कलीग्स के साथ, कभी भी अपने काम करने वालों के साथ जो है हमेशा बना के रखें, उनके साथ आपको काम करना है, आपको सीखना है, अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो, वरना तो कोई बात नहीं। तो खैर, हम जिस टॉपिक पे हैं कि R फॉर फेस, C फॉर कॉमन, G फॉर ब्लोअर, ये तो हो गया। उसके आगे है Y1 गाइस, है ना, ये देखें Y1 का मतलब होता है कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का टर्मिनल है, यानी कंप्रेसर 1। Y कहने का मतलब हो गया कंप्रेसर, यहाँ पे आपको कंप्रेसर का जो सिग्नल का जो वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, कंप्रेसर 1 का Y1 में लग जाएगा, कंप्रेसर 2 का Y2 में लग जाएगा, और ये W1 W2 का मतलब होता है हीटर, यानी हीटर 1 का W1 में और हीटर 2 का W2 में। तो ये आपके सिग्नल्स के भी सारे कंप्लीट हो गए। अब इधर हम लोग आते हैं, ये जो पूरा पॉइंट्स आपको दिख रहा है ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्विच के लिए है, ठीक है। इसमें आप देखें पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे छोटा लिखा हुआ भी होगा जो कि आपको शायद क्लियर ना दिखे, ये देखें HP1 HP2 HP2 LP1 LP2 LP1 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 LP2 LP2 यानी कि एक कंप्रेसर में आपके चार वायर्स हाई प्रेशर और लो प्रेशर के, हाई प्रेशर के दो और लो प्रेशर के दो, ठीक है। फिर दूसरे वाले कंप्रेसर का हाई प्रेशर का दो, लो प्रेशर का दो, यानी टोटल 8 वायर्स आपके आते हैं और ये 8 को जो है यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे, है ना। कंप्रेसर 1 का जो होगा HP1 और LP1 HP2 LP2 वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। फिर जो है कंप्रेसर 2 का HP1 HP2 सॉरी ये देखें आप जी LP2 है ना, ये यानी कि कंप्रेसर 1 का और कंप्रेसर 2 का दोनों का यहाँ पे जो है सारे HP और LP स्विच का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये PC बोर्ड का कनेक्शन करते हैं हम लोग। अगर इसमें कोई भी डाउट्स होता है गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक भी ज़रूर दे सकते हैं, और आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के MEP और HVAC से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।